इधर देखो, स्माइल प्लीज, ये हाँ। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हो आप सभी। तो मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ अपने देवर की शादी की कुछ रस्में जो शादी के बाद होती हैं घर पर, कंगन खुलाई वाली रस्में। तो यहाँ पर वही सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो देखिए, जिनके हमारे हाथों में कलावे थे, हम भी सारे अपने जो भी कलावे कंगन जो बनते हैं वो सभी हम खोल रहे हैं। और यहाँ पर जो है अपने पितरों के नाम की एक ईंट रख के वो पूजते हैं। तो हमारे यहाँ पर घर पे ही ऐसे ही पूज लेते हैं क्योंकि यहाँ पास में नहीं जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ देखिए ये काम हो गया है। तो यहाँ पर भैया भी कर रहे हैं और उसने कर लिया है, जो भैया की वाइफ है। और यहाँ बस यही काम चल रहे हैं और आप देखते रहिए। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो अभी भी जो है वहाँ हम गए थे मंदिर पे, एक माता मंदिर है वहाँ पर जाते हैं, जो कि मैंने आपको हल्दी वाली रस्म में दिखाया था, उसी मंदिर पे गए थे। वहाँ से आने के बाद अपने घर पर जो भी पूजा है वो हो रही है, उसके बाद खुलेगा कंगन। और ये हैं चाची सास मेरी बड़ी वाली, इधर देखो, ये बहुत कॉमेडी कराती हैं, बहुत हंसी कराती हैं और सारे काम यही करवाती हैं क्योंकि इनको सारे काम पता रहता है। मम्मी जो है थोड़ा सा नहीं ध्यान रखती हैं, इन कामों का नहीं रहता है मम्मी को, क्योंकि मम्मी के पास में बहुत सारे काम होते हैं। तो कुछ काम चाची करवाती हैं, कुछ काम मम्मी करवाती हैं। और तो ये देखिए कंगन की रस्म जो है शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो मेरी देवरानी है वो कंगन खोल रही है। और यहाँ पर जो है मैंने कंगन में गांठ लगाई थी इतनी कभी, मतलब उससे खुल नहीं रही है। तो मम्मी बोल रही हैं इनसे कि तेरी बहू ने लगाई है ये सारी गांठें तो खुल नहीं रही हैं। और मैं यहाँ पर भैया की हेल्प करवा रही हूँ, कुछ जो कलावे वाले धागे बंधे होते हैं मैं उनको खुलवा रही थी। तो यहाँ पर कुछ कुछ काम घर के भी हो रहे हैं, उन कामों पर भी ध्यान जा रहा है हमारा। और हम कुछ देख रहे थे इनके हाथों में कुछ पहले से पहना हुआ है तो वही दिखा रहे थे हम। तो देखिए कंगन वाली रस्म जो है हो गई है, कंगन मतलब खुल गया, उसके बाद की रस्में हैं वो शुरू होंगी अभी। तो कढ़ाई में पानी वानी डाल के जो वो खेलते हैं गेम टाइप का वही होगा, तो वो सब मैं खिलाऊंगी। जो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म होती है वो करवा रही हूँ मैं अभी। और हर बारी में जो है भैया जीत जाते हैं, वो नहीं जीत पाती हैं। और जो है कढ़ाई में पानी थोड़ा सा कम था तो इस वजह से जो है बहुत जल्दी गेम हो जाता है क्योंकि भैया जीत जाते हैं हर बार को। और सबसे वो होता है मैन के लास्ट में, देखते हैं कौन जीतते हैं दोनों में से। तो सबसे ज्यादा लास्ट में ही वो रहती है। यहाँ पर सभी जो है खूब अच्छे से मौज मस्ती कर रहे थे। और भैया ले गए हैं लास्ट में, जो है भैया जीत गए हैं। एक रस्म और बाकी है, वो भी हो रही है, जो आटे से मछली टाइप का कुछ बनाते हैं उसको दुल्हन जो है घुमाती है और दूल्हे राजा जो है उसमें तीर बना बना के मारते हैं। तो वही रस्म हो रही है यहाँ पर। ये जो है दीपक भैया को सब कुछ बता रहे हैं कि ऐसे करना है ऐसे करना है, क्योंकि ये जो है वीडियो बना रहे थे।
और उन्होंने ये देखिए मछली का क्या हाल कर देंगे, लास्ट में पता ही नहीं चलेगा कि मछली कहाँ है। और इसी तरीके से ये सारी रस्में जो हैं हो गई हैं, तो अभी शादी की जो सारी रस्म जो है ख़त्म हो जाएंगी। इस रस्म के बाद बस एक रस्म बचेगी महिला संगीत वाली, और अभी मैं आपको और रस्म भी दिखाऊंगी बची हुई हैं, पर ये सबसे लास्ट वाली रस्म मैंने पहले दिखा दी है आप सभी को। अभी एक दो रस्म और हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी ये वाली रस्म शादी की। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ मैं वीडियो का करती हूँ एंड, मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो और ब्लॉग के साथ।